हेलो दोस्तों, राणा क्लास सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटेटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज मैं आपको बिहार फायरमैन पुलिस की जो भर्ती हुई थी पहले, जो कि इसका परिणाम है जो कि जारी कर दिया गया, तो 2380 पद कुल है और ये जो है आपको 27 दिन और 28 रविवार को ये जो कि परीक्षा जो कि आयोजित किया गया था। और लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के अगले चरण की शारीरिक दक्षता 5/9/2022 को प्रकाशित किया गया है। परीक्षा के लिए परीक्षा फल है जो कि प्रकाशित कर दिया गया था और यह आप देख रहे हैं। और ये इनकी 3/11/4/11 को केंद्रीय चयन जो है पीईटी का प्रवेश पत्र है जो कि 12 अक्टूबर से इसको होना था। और इसमें जो है लगभग कितने पास हुए थे, तो 11,241 लोग पास हुए थे। तो पीईटी के साथ अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम है जो कि था और ये जो है 8 नवंबर 2022 से आयोजित किया गया था ये जो। और 11,241 मतलब, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आना, अंतिम परिणाम आना है, तो वो कब तक आ सकती है, तो वो जो है क्योंकि रिजल्ट तैयार हो चुका है जैसी जानकारियां मिल रही है, और जल्द ही है जो कि एक दो दिनों में, आज भी या कल तक है जो कि कल तक जो कि उम्मीद है कि जारी हो सकती है। तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं ये अग्निक पद का, जो 2380 पद के फाइनल रिजल्ट का, उनके लिए अच्छी खबर है, आज या कल में उम्मीद है कि जारी हो सकती है अंतिम परिणाम। अब बात करते हैं केंद्रीय जो संगठन का जो वैकेंसी था उसके बारे में। तो ये जो है आपका जो मूल जो है यही है केवीएस संगठन .nic.in, अब इस पर वेबसाइट पर भी है जो कि आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्तृत विज्ञापन जो है। जो योग्यता नहीं जानते, क्योंकि आज से जो कि फॉर्म भरा रही है, तो इसको जो कि गैर शैक्षणिक वाले में ज़्यादा है, तो इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है सारा चीज़ क्लियर। आप कहीं ये नहीं कि नहीं दिया हुआ, असिस्टेंट कमिश्नर का है, प्रिंसिपल का है, वाइस प्रिंसिपल का है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट लाइब्रेरियन का है, प्राइमरी टीचर म्यूजिक का है, फाइनेंस ऑफिसर का है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का टोटल 156 पद है, हिंदी ट्रांसलेटर का। तो टोटल जो है आपको सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जूनियर मतलब सबके लिए, इंटर मैट्रिक अगर आप पास हैं टाइपिंग जानते हैं तो सबके लिए, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर का तो यहाँ दिया हुआ। कितना वेतन होगा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट पर बिल्कुल सरकारी है, क्योंकि आप देख रहे हैं 76,000 है जो कि सॉरी 7600 ग्रेड पे का ये सर्विस है, 78,800 शुरू होगा, ठीक है। असिस्टेंट कमिश्नर का है और सारा दिया, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएड इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, मतलब अब विज्ञापन है जो कि आपका ऑफिशियली भी पेपर में वेबसाइट पर भी आ गया। उसी तरह प्रिंसिपल का लेवल है जो कि 12 है, क्या क्या चाहिए, मैक्सिमम एकेडमिक चाहिए, बीएड इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए, जो कॉमन है उस पर चर्चा करते हैं। पीजीटी हो गया, ये सब अभी पीजीटी ही चल रहा है। लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन का बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, ये रहेगा। तो यह फॉर्म है जो कि आप भर सकते हैं। और डिजिरेबल क्या, वांछनीय क्या है, मतलब उसको प्राथमिकता दिया जाएगा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 44,900 मतलब लेवल 7 की पोस्ट है ये। उसी तरह है जो कि फाइनेंस ऑफिसर का भी लेवल 7 है और इसमें बीकॉम चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए कम से कम, मतलब तीनों का जो कंडीशन है, एमकॉम है तो 50% लिस्ट थी यार, तो ये एक्सपीरियंस भी खोज रहा है इसमें। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल है, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर्म है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या 3 ईयर्स डिप्लोमा और 5 ईयर मतलब एक्सपीरियंस भी यहाँ पर कहीं ना कहीं है जो कि मांग रहा है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में क्या मांग रहा, जो एकदम लेवल 6 का यहाँ पर पद है, जबकि और सब जगह कितने हैं, यहाँ थोड़ा एक लेवल कम है। तो यहाँ पर है ग्रेजुएट विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज यूडीसी इन सेंट्रल या गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो ये डिजरेबल, यूडीसी में अगर आप किए हुए हैं एक्सपीरियंस, ग्रेजुएट विथ अनिवार्य क्या है, ग्रेजुएट तो होना ही है, लेकिन ये भी एक तरह से कहें अगर यहाँ पर जो दिया हुआ है तो वो भी खत्म हो गई, क्यों, क्योंकि एक्सपीरियंस मांग रहा है यूडीसी के लिए,
एक तरह से कहें तो सीमित प्रतियोगिता परीक्षा हो गया, कहीं ना कहीं आप काम किए हों यूडीसी के रूप में तभी ये जो की है भर सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर का है, उसी तरह मास्टर डिग्री है। तो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यहाँ पर भी जिस तरह से बाहर में दिखाई दे रहा था वैसा नहीं, इसलिए विज्ञापन को जो कि जरूर एक बार देखें। ग्रेजुएट है, एक्सपीरियंस है, 3 इयर्स एक्सपीरियंस है, LDC इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडी पब्लिक सेक्टर, तब लेवल 4 का ये मिलेगा। स्टेट में भी है तो भी मतलब एक्सपीरियंस खोज रहा है। स्टेनोग्राफर में क्या है, यहाँ यहाँ पर स्टेनोग्राफर में लेवल 4 है, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा। 12th पास है, स्किल टेस्ट एंड डिक्टेशन 10 वर्क 50 मिनट। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यहाँ ये पद है जो कि आपको सेक्रेटरी लेवल 2 का जो है 1900 क्रेडिट का, ये जो है ये आप बिना इंटर पास है और कोई एक्सपीरियंस नहीं माना। 35 और 30 35 से टाइपिंग स्पीड है जो कि आपको इंग्लिश में है, और 30 है जो कि हिंदी में। BSSC का भी यही है। एज रिलैक्सेशन मतलब ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हो मूल जो विज्ञापन जो जारी हुआ उसमें काफ़ी चेंजेज हैं, तो आप लोग है जो कि सही से जो कि अब तक है जो कि अनुमान के आधार पर चल रहा था वेबसाइट पर, लेकिन अब जो है इसको देख लें कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से लेकर बहुत सारे पदों में यहाँ एक्सपीरियंस भी जुट गया है। तो वो मतलब कुछ ही पद है जो कि आपको एकदम जो कुछ नहीं किए हुए हैं, जैसे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ये पद है जो कि आप नॉर्मल स्टेनोग्राफर अगर किए हुए हैं तो वो भर सकते हैं, लेकिन ये जो सेक्रेटरी ये जो आपको बहुत सारे जो पद हैं वहाँ एक्सपीरियंस जुट गया है। अब यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन है जिसको असिस्टेंट का भी, तो वहाँ पर है जो कि एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो ये है जो कि विज्ञापन, और आज से है जो कि ये फॉर्म भराएगा। PGTTE वाले वहीं एक बार विज्ञापन पर है जो कि जरूर नज़र डाल लें, क्योंकि दोनों का दिया हुआ एक तो गैर शैक्षणिक है ही, और एक है जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जो कि 2599 का दिया हुआ है। ये है जो कि पूरा देख ले, पूरा डिटेल है जो कि ओरिजिनली यहीं मिलेगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर, और भी कहाँ कहाँ पटवारी सहित 3555 पदों पर बहाली मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा है जो कि भर्ती। उड़ीसा में टीचर का 7540 निकला, KBS का तो आज से जो कि 26 दिसंबर तक फॉर्म भराएगा, और ये आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग 27 से 50 साल ग्रेजुएशन PG BEd ये सब है। इसी तरह है जो कि आपको सुपरवाइजर और जूनियर टेक्नीशियन का 127 पद निकला है, कहाँ निकला है तो ये जो है आपको करेंसी नॉट फ्रेश, तो ये सभी आप देख सकते हैं, अगर योग्यता के अनुसार फिट होता है तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं फार्मेसी और चिकित्सा और कृषि में नामांकन के लिए काउंसलिंग आज से, तो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 ने संयुक्त मेधा सूची के आधार पर सरकारी क्षेत्र के फार्मेसी चिकित्सा और कृषि विश्वविद्यालय में 50% सीटों पर नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग सोमवार से जो कि शुरू होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो कि रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग BCEBoardBihar.Bihar.Gov.in पर है, देख सकते हैं। च्वाइस फिलिंग का काम 8 दिसंबर से शुरू होगा। संस्थान ब्रांच का च्वाइस ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज भरे जाएंगे। अगर कोई छात्र छात्रा फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर अपना च्वाइस फिलिंग नहीं करते हैं तो वैसे व्यक्ति को दोबारा रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। और क्या है, BSc नर्सिंग BEd और PhD के लिए आवेदन प्रक्रिया है जो कि शुरू हो गया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार आनंद कुमार ने बताया कि 20 दिसंबर तक छात्र आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट की तिथि बाद में जारी की जाएगी। PhD कोर्स विस्तृत छात्र ऑनलाइन आवेदन भी, BEd के लिए पटना AN कॉलेज में 50 सीट उपलब्ध है, वहीं पर इग्नू के माध्यम से डिस्टेंस के तहत BEd की पढ़ाई होगी। AN कॉलेज में BEd का अपना अलग विभाग, वहीं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत BEd की पढ़ाई होती है, BEd की पढ़ाई अलग से होती है। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।